क्लास फिफ्थ ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउंस तक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउंस आर द अपोजिट ऑफ द कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउंस को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इसके बाद आता है जेंडर। जेंडर में देखो, जैसे कुछ सेंटेंस है, द किंग ऑर्डर्ड हिज ड्रेस मेकर्स टू स्टिच अ सिल्क जैकेट फॉर हिम। किंग को इसने बोल्ड किया हुआ है, तो राजा ने ऑर्डर किया अपने ड्रेस बनाने वाले को कि एक सिल्क का जैकेट बना के देगा। ब्राइड लुक्ड प्रेटी इन हर पिंक ड्रेस। दुल्हन जो है वो अपनी पिंक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट प्रॉपरली। डॉक्टर ने अपने मरीज को, पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। आई हैव रेड द लेटेस्ट बुक बाय रस्किन बॉन्ड। और मैंने रस्किन बॉन्ड की जो सबसे लेटेस्ट बुक है उसको पढ़ा। अब सेंटेंस वन में किंग जो है वो मेल है, आदमी है, मैस्कुलिन जेंडर होगा। सेंटेंस टू में जो ब्राइड है वो एक लड़की है, फेमिनिन जेंडर होगा। सेंटेंस नंबर थर्ड में डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन जेंडर, क्योंकि वो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है। बुक, बुक नॉन लिविंग है, बुक में जान नहीं होती, बुक सांस नहीं लेती, नॉन लिविंग है, ये न्यूटर जेंडर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फादर, ब्रदर, बुल, लॉयन, एक्टर, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, जिसमें मेल कैटेगरी आती है ना, हमारे पिता, हमारा भाई, है ना, बुल, बैल जो होता है, शेर होता है, कोई एक्टर जो है, ये सारे के सारे मेल हैं, ये सारे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। जितनी भी फीमेल हैं, जैसे मदर है, सिस्टर है, काव है, लॉयनेस है, एक्ट्रेस है, मम्मी पापा, सॉरी मम्मी बहन, पापा तो हमारे मैस्कुलिन हो गए, है ना, मम्मी बहन या गाय, ये सब जो फीमेल कैटेगरी है वो फीमेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर में, नाउन में आएंगे। उसके बाद कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, पॉलिटिशियन है, सिंगर है, फ्रेंड है, तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में वो होते हैं जो नॉन लिविंग है, जो जीते नहीं है, जिनमें सांस नहीं होती, जैसे डेस्क है, बेड है, हाउस है, पेन, पेंसिल, वो सारी चीज़ें जो है वो न्यूटर जेंडर में आती हैं। इसके बाद है काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4 करके काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना पसंद है, तो मिल्क ऐसी चीज़, मिल्क इसमें क्या हो गया, मिल्क को काउंट कर सकते हो, एक मिल्क, दो मिल्क नहीं कर सकते ना। जैसे डॉग है, डॉग, विजू हैज़ अ पैट डॉग एंड ए पैट कैट। अजय ईट्स एन एप्पल एवरी डे। अजय जो है वो रोज एक एप्पल खाता है। अब हाईलाइटेड वर्ड्स, ये कॉमन नाउंस हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अब इसमें दोनों हो सकते हैं। जैसे अब आगे बात करते हैं, नाउन जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, वे सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। नाउंस जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं, ठीक है। तो एन, द या नंबर्स हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउंस के साथ, और मैनी, फ्यू, एवरी, इन वर्ड्स को यूज कर, आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउंस। वी कैन काउंट नाउंस सच एज ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, पैट्स हैं, हाउसेस हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल में जैसे मिल्क है ना, इनका केवल सिंगुलर फॉर्म ही होता है, इनका प्लूरल नहीं होता। मिल्क को मिल्क्स नहीं लिख सकते, मिल्क का केवल सिंगुलर होगा। फर्नीचर इज हैवी, फर्नीचर का सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो अ, एन, द अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज, हम यूज नहीं करते अ, एन, द अनकाउंटेबल नाउंस के साथ नहीं करेंगे यूज। अनकाउंटेबल नाउंस के साथ हम क्या यूज करते हैं, मच, सम, एनी, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और वी कैन नॉट काउंट नाउंस, जैसे कॉफी है, मिल्क है, फ्लोर है, हनी है ना, इनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, तो जैसे वुड यू लाइक एन ऑरेंज, क्या तुम्हें एक ऑरेंज पसंद है, तो एक ऑरेंज।
ही बॉट न्यू क्लोथ्स यस्टरडे, उसने कल नए कपड़े खरीदे, तो क्लोथ्स प्लूरल हो गया। इन द सेंटेंस अबव कॉमन नाउन ऑरेंज सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि एक ही ऑरेंज है ना, एक ही नाउन है, तो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल एक से ज़्यादा। द कॉमन नाउन क्लोथ्स प्लूरल है क्योंकि इसमें क्लोथ्स है मोर देन वन नाउन है, एक नाउन से ज़्यादा है, बहुत सारे कपड़े हैं तो प्लूरल हो गया, एक कपड़ा होता तो सिंगुलर होता। अब जैसे सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल है टॉय, अंकल, फ़ोन, पर्सन, ये सब सिंगुलर हैं, एक खिलौना, एक अंकल, एक फ़ोन, एक पर्सन। प्लूरल नाउन मोर देन वन, एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे कि टॉयज, एक से ज़्यादा बहुत सारे खिलौने, अंकल्स बहुत सारे अंकल, फोन्स बहुत सारे फ़ोन, पर्सन्स बहुत सारे लोग। वी कैन मेक प्लूरल, हम प्लूरल बना सकते हैं, एक एस को यूज़ करना है, उसमें जोड़ना है, ऐड करना, जैसे काओ है, काओ के साथ एस लगा दिया, काओज बन गया। शर्ट है, शर्ट के साथ एस लगा दिया, शर्ट्स बन गया। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, एक गाय, काउस, एक से ज़्यादा गाय। शर्ट, एक शर्ट, शर्ट्स, एक से ज़्यादा शर्ट। अब ई एस ऐड करना है सिंगुलर नाउन में, जो एंड होते हैं एस एस पे, एस पे, सी एच पे, एस एच पे और एक्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे सिंगुलर नाउन जो एस एस पे ख़त्म होंगे, जैसे क्लास है लास्ट में एस एस आ रहा है, या फिर एस पे जैसे वायरस है लास्ट में एस आ रहा है, या सी एच पे ख़त्म होगी जैसे टॉर्च है लास्ट में सी एच आ रहा है, या एस एच है ब्रश में लास्ट में एस एच आ रहा है, तो इनको जब प्लूरल बनाएंगे तो इनको प्लूरल बनाने के लिए इसमें ई एस ऐड करेंगे। तो क्लास के बाद में ई एस ऐड किया क्लासेस, ब्रश के बाद में ई एस ऐड किया ब्रशेस, वायरस के बाद में ई एस ऐड किया वायरसेस, तो सिंगुलर का वायरस का प्लूरल वायरसेस बन गया। ठीक है, तो ये सारे नाउन जो इन वर्ड्स पे एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए ई एस यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो आई ई एस पे ख़त्म होते हैं उनमें वाई आई ई एस ऐड किया जाता है उन नाउन्स में जो वाई पे ख़त्म होते हैं, जैसे कॉपी है वाई पे ख़त्म हो रहा है तो आई ई एस ऐड किया है, इसको प्लूरल बना दिया, एक कॉपी, बहुत सारी कॉपीज। कंट्री वाई पे ख़त्म हो रहा है तो प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस ऐड करेंगे। इसी तरह से वो नाउन जो एफ पे ख़त्म होते हैं या एफ ई पे ख़त्म होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एफ पे ख़त्म हो रहा है या एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, लास्ट में एफ ई है या एफ है, तो उसको चेंज कर देंगे वी में और ई एस में। जैसे एफ पे ख़त्म हो रहा है शेल्फ है, तो हमने क्या कर दिया, इसको शेल्व्स कर दिया, एफ की जगह क्या आ गया, ई एस आ गया। नाइफ है, के एन आई एफ ई, एफ ई की जगह क्या आ गया, वी ई एस। ठीक है, तो वी और ई एस इसमें ऐड करेंगे। लोफ का क्या हो गया, लोव्स, लाइफ का हो गया लिव्स, हाफ का क्या हो गया, हाफ्स, एफ की जगह क्या आ गया, वी ई एस, वी और ई एस ऐड करना है। अ फ्यू नाउन टेक इररेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बिल्कुल ही अलग होते हैं, जैसे माउस है, माइस हो गया, फुट, पैर, सिंगुलर के लिए फुट और प्लूरल के लिए फीट, जैसे चाइल्ड है, एक बच्चा, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, तो ये इनके प्लूरल जो हैं ये थोड़ा हटके हैं, इररेगुलर प्लूरल फॉर्म है, इसमें एस आई एस लगा के काम नहीं चलेगा। एम एन एक मैन होगा तो एम ई एन, बहुत सारे मैन के लिए एम ई एन लिखेंगे। इसके बाद कुछ नाउन्स हैं जैसे क्लोथ्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, ये अपने आप में प्लूरल ही हैं। ठीक है, तो वी डो नॉट यूज़ अ और एन विद प्लूरल नाउन्स, तो इससे पहले अ या एन यूज़ नहीं करते, जैसे वेयर आर माई ग्लासेस, तो ग्लासेस अपने आप में प्लूरल ही है। इफ़ वी हैव टू यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, अगर इनका सिंगुलर यूज़ करना है तो इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ, अब पेयर ऑफ से पता चलेगा कि एक की बात हो रही है, अदरवाइज अगर ग्लासेस लिखा है तो वो प्लूरल ही है। अगर इसका सिंगुलर यूज़ करना है तो इससे पहले लगाएंगे अ पेयर ऑफ, तो ये हो जाएगा अ पेयर ऑफ ग्लासेस, यानी कि एक पेयर ऑफ ग्लासेस, सिंगुलर पेयर की बात हो रही है, इज़ कैप्ट ऑन द डेस्क, और केवल ग्लासेस लिखा है तो प्लूरल है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल ही हैं, सारे नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। जैसे सीजर्स है, कैंची को सीजर्स ही बोलते हैं, सिंगुलर सीजर नहीं होता कभी भी, सीजर्स ही होता है। बाइनोकुलर्स है, ट्राउजर्स है, ये सारे प्लूरल हैं। इसके बाद आएगा कुछ नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म होता है लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, जैसे न्यूज़ है, देखने में लगता है कि प्लूरल फॉर्म है
एस इसमें लगा हुआ है, लेकिन हमेशा सिंगुलर यूज होगा। द न्यूज इज वेरी शॉकिंग, ये जो खबर है बहुत ज्यादा शॉक देने वाली है। एथलेटिक्स इज गुड, एथलेटिक्स पढ़ने में प्लूरल लगता है लेकिन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा। एथलेटिक्स के साथ इज यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज होती, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती। एथलेटिक्स इज गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। इसी तरह से मैथमेटिक्स है, पढ़ने में प्लूरल लगता है कि एस इसमें लगा हुआ है लेकिन सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। ऐसी जिमनास्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सारे सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होंगे। चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद एक्सरसाइज आता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉमन नाउन्स को सर्किल करना है, सॉरी अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन को सर्किल करना है। तो इन सब सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन हम करेंगे वो कॉमन नाउन होगा और जो सर्किल करेंगे वो प्रॉपर नाउन होगा। इसके बाद ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फिल करने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं है ना, जो हमारी जैसे क्रुएल्टी है, ऑनेस्टी है ना, ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, ये चीज़ें केवल फील की जा सकती हैं, जैसे विजडम है ना, वेस्टेज है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते लेकिन हम इनको केवल फील करते हैं, तो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए। इसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करने हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लूरल, है ना, फैन का प्लूरल लिखना है, ट्रॉफी का प्लूरल लिखना है, डिश का प्लूरल लिखना है, काफ का और ब्लूज का। तो ये एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी। चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।